हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम तो असल रस्तिका आपके अपने चैनल गर्फी टी में हाजिर से आ रही है एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आप सभी के सामने बेसिकली दोस्तों ये अपडेट जो है वो पार्शियल कर्फ्यू लगने के हवाले से आ रही है गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है कि अगर किसी भी तरीके का सेमिनार गैदरिंग और जो मीटिंग हो रही है क्योंकि नेशनल असम्बली के इलेक्शंस हैं और इसके दौरान जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन में जो खड़े हो रहे लोग हैं उनकी यहाँ सेमिनार्स गैदरिंग्स या मीटिंग अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो हेल्थ ऑथोरिटीज़ बिल्कुल भी नहीं हिंचचाएंगी कि पार्शियल कर्फ्यू लगा दिया जाएगा इन्होंने सीनियर गवर्नमेंट सोर्सेज ने बताया है अलकबस डेली को सोर्सेज ने ज़ोर देते हुए अलकबस डेली को बताया है कि कोई भी लोगों की गैदरिंग यानी लोगों की भीड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि इसकी वजह से वायरस के इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ेंगे और आगे पॉइंट आउट करके बताया कि हेल्थ रिक्वायरमेंट से कॉम्प्लाइंस करना है यानी हेल्थ रिक्वायरमेंट माननी है और जिस किसी ने भी हेल्थ रिक्वायरमेंट का वायलेशन किया यानी इसको नहीं माना उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी यानी पेनल्टी के रूप में यानी सीवियर पेनल्टीज लगाई जाएंगी जितनी भी गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सब को मिला कर के वो ये लोग देखेंगे कि कहीं कोई गैदरिंग तो नहीं हो रही है और अगर कोई गैदरिंग या भीड़ इकट्ठी हो रही है तो उसको अवॉइड किया जाए और कोई हेल्थ मेजर्स जो सरकार ने बताए हुए हैं कि गैदरिंग या कोई भी जगह आप जाएं तो आप क्या क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे उन चीज़ों का वॉइलेशन हुआ तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त फ़ाइन लगाया जाएगा जो बहुत ही ज़बरदस्त हो सकता है आगे बताया है कि इलेक्शन से एक दिन पहले पब्लिक की हेल्थ को प्रोटेक्ट पब्लिक की हेल्थ को महफूज करने के लिए हम ये डिसीजन ले रहे हैं ताकि लोगों के हित में बेहतर साबित हो और लोगों के हित में बढ़िया साबित हो दोस्तों यहाँ से ये यह पता चल रहा है कि इलेक्शन की गैदरिंग्स में इलेक्शन की भीड़ में अगर बढ़ोतरी होती है तो पार्शियल कर्फ्यू लगा दिया जाएगा ताकि इस तरह की भीड़ भाड़ को रोका जा सके क्योंकि वायरस के केसेस लगातार तेज़ी से ना बढ़ सके तो दोस्तों ये थी अपडेट और पार्शियल कर्फ्यू लगने की बात हो रही है हालांकि फुल कर्फ्यू लगने की कहीं भी बात नहीं की गई है दोस्तों ये थी अपडेट अगर आपके अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेलाइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की अपडेट हम लोग लगातार पस लेकर आते रहे मिलते हैं अगली अपडेट में जब तक अपना ख्याल रखिए घरों में रहिए सोच रही है असलम्ला हाफ़